नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार गिरी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 34वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एप्पल के पार्ट टू के बारे में। ठीक, एप्पल की क्रॉप थोड़ी लंबी थी, इसको इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, दो तीन दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। आज हम एप्पल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, जो उसमें बच गया था पहले पार्ट में, आज हम इस दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे और आज आपकी इस दूसरे पार्ट को लेकर एप्पल की पूरी क्रॉप आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अगर आपको पहला पार्ट देखना हो तो इंस्टेंट हार्टिकल्चर की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्टेंट हार्टिकल्चर की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में आप लेक्चर नंबर 33 देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको एप्पल का पहला पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्पल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम वेराइटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और पर्टिकुलर वेराइटी का क्या प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी वेराइटी कौन कौन सी होती है। वेराइटी इसकी मेनली थ्री ग्रुप में, मतलब ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिटी के हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली सीजन और एक मिड और एक लेट। ठीक, ये तीन टाइप की होती है। तो जो इसकी पहली अर्ली वेराइटी है वो है टाइडेमंस अर्ली। ठीक, इसकी दूसरी वेराइटी है आयरिस पीच। देखो, नाम से कंफ्यूज ना होना कि ये कहीं पीच की वैरायटी है, इसका नाम है आयरिस पीच, लेकिन ये वैरायटी किसकी है? एप्पल की। कंफ्यूजिंग वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको लर्न कर लेना। फिर अगला है बिनोनी। कौन सी वैरायटी है? बिनोनी। फिर अगली वैरायटी है फेनी। कौन सी वैरायटी? फेनी। इसमें देखो खूब ढेर सारी वैरायटियां हैं, लेकिन मैं आपको केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है उनको अभी मैं टिक लगा दूंगा कि आप ये वैरायटी जरूर से जरूर याद कर लीजिए। ठीक, अर्ली सनबरी। क्या है? अर्ली सनबरी। ये तो थी आपकी अर्ली सीजन वेराइटियाँ। अब इसमें से जो हम बता रहे हैं आयरिस पीच और बिनोनी, ये जो दो वेराइटी हैं यही इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम मिड सीजन वेराइटीज। मिड सीजन वेराइटी में रेड डिलीशियस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ एप्पल, इसको कत्तई याद कर लेना। रिचर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद टॉप रेड, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद फिर क्या है? लॉर्ड लैम्बोर्नी, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। रेड चीफ, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, मिड सीजन की वैरायटी है। रेड गोल्ड, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। एक है अमेरिकन मदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। फिर जोनाथन, ये भी अच्छी वैरायटी है। रोम ब्यूटी, राजाक्वर, मिकलेनथॉस, क्या है? मिकलेनथॉस, कॉर्टलैंड, गोल्डन डिलीशियस, ये सब वैरायटी हैं जो मिड सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं टिक लगा देता हूँ। देखो, रेड डिलीशियस, रिचर्ड, टॉप रेड, लॉर्ड लैम्बोर्नी, रेड चीफ, रेड गोल्ड, अमेरिकन मदर, जोनाथन, रोम ब्यूटी, गोल्डन डिलीशियस, ये इतनी जो वैरायटी हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिड सीजन की वैरायटीज हैं। ठीक, तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं लेट कल्टीवर वाली जो वैरायटियाँ हैं जिनका फ्रूट देर से पकता है, जिनकी मैच्योरिटी देर से होती है, उसमें पहली वैरायटी है न्यूटन, दूसरी है विंटर बनाना, ठीक, तीसरी है ग्रेनी स्मिथ, उसके बाद थे लाल अंबरी, रायमर, ब्लैक किंगडम, क्या है? बकिंगम। क्या वैरायटी है? बकिंगम। अगली फिर वैरायटी क्या है? देखो, अब बात समझ लेते हैं। इसकी जो ये तीन वैरायटी अभी मैंने बताई, इतनी ढेर सारी वैरायटी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, एक तो येलो न्यूटन, ये बहुत अच्छी एक वैरायटी है। एक विंटर बनाना, विंटर बनाना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विंटर बनाना किसकी वैरायटी है, तो विंटर बनाना लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी है एप्पल की। ठीक, उसके बाद फिर लाल अंबरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, और बकिंगम। क्या? बकिंगम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है एप्पल की, समझ गए बात। अब देखो, पढ़ते हैं अकबर। अकबर के एक एप्पल का न्यू कल्टीवर है जो अभी जल्दी में डेवलप किया गया है, ये क्रॉस करके बनाया गया है, यानी कि यह हाइब्रिड वैरायटी है अकबर। ये किसके क्रॉस क्रॉस से बनाया गया है? ये बनाया गया है अंबरी और कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस। ठीक, अंबरी और कॉक्स ऑरेंज पाइपिंग से एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम है अकबर। ये एप्पल की एक नई वैरायटी है, समझ गए।
अब देखो अगले ग्रुप की बात करते हैं। एप्पल के कई ग्रुप हैं, वेराइटियों के, इनके इनके जो वेराइटियां हैं इनके कई ग्रुप हैं। तो इसमें से सबसे पहला एक ग्रुप होता है ग्रीन इंग्लिश वेराइटी। ग्रीन इंग्लिश वेराइटी का सबसे खास बात होता है कि इसका जो पार्ट डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आता है, ठीक, जो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आता है वहां तो रेड रेड कलर का हो जाएगा, और जो सनलाइट के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है वहां पर ये ग्रीन कलर का होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर सनलाइट इसको मिल रही है, ज्यादा सनलाइट, तो इसी वजह से सब एक ही तरफ को इसी साइड में सब लाल लाल पक गया है, और जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है वहां सब ग्रीन है। लेकिन ये पूरा फुल्ली मैच्योर वेराइटी है, तो इसकी एक ग्रीन इंग्लिश वेराइटी, नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन इंग्लिश, ग्रीन ग्रीन, समझ गए। तो इसका पार्ट जो अधिकतर पार्ट होता है ग्रीन होता है, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है केवल वहीं पर ये रेड कलर का होता है। इसमें कौन कौन सी वेराइटियां हैं, इसमें एक वेराइटी है बाल्डविन, दूसरी वेराइटी है कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस। ये कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस जो है इसका क्रॉस और अंबरी का, कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस और अंबरी के क्रॉस से ही एक बार वेराइटी को बनाया गया था, ठीक। तो कॉक्स ऑरेंज पाइपिंग, ब्लैक बेंडाविस, क्या है ब्लैक बेंडाविस, उसके बाद पाइपिंस है, उसके बाद फिर क्या है। तो इसमें जो ग्रीन इंग्लिश वेराइटीज हैं इसमें केवल यही दो वेराइटीज, एक तो पाइपिंस वेराइटी और एक कॉक्स ऑरेंज पाइपिंग, ये दो वेराइटी जो हैं यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। सबसे मेन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रीन इंग्लिश वेराइटियों में क्या पूछा जाता है, ये ग्रीन ग्रीन होता है, समझ गए बात। तो इसको ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रीन इंग्लिश वेराइटी है या नहीं है। फिर अगले जो टाइप की वेराइटी का ग्रुप है वो है स्पॉर टाइप का वेराइटी, ठीक। वो देखने में ऐसा होता है बिल्कुल रेड कलर का, एग्जैक्ट रेड होता है बिल्कुल, बहुत गहरा लाल लाल कलर का होता है। इसमें स्टार क्रिम्सन बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, स्टार क्रिम्सन। फिर अगली वैरायटी है व्हाइट स्पोर, नाम से पता चल रहा है स्पोर टाइप की वैरायटी है। रेड चीफ, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। तो ये जो इसमें दो वैरायटी मैंने बताई, स्टार क्रिम्सन और रेड चीफ, ये दो वैरायटी इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना और इसी को लर्न कर लेना। इसमें ढेर सारी वेराइटीज हैं लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट वेराइटी जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ उसको तो आपको बिल्कुल से लर्न कर लेना है, बाकी आपको अगर लर्न हो पाए तो पूरा लर्न कर लीजिए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वेराइटी जो हम टिक लगा रहे हैं उसको लर्न कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट वेराइटी, स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट वेराइटी मतलब उसका कलर कुछ स्पेशल टाइप का हो जाता है, ठीक। इसमें म्यूटेशन के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है, म्यूटेशन के बाद ये जो डेवलप होते तो इनका कलर कुछ स्पेशल टाइप का होता है। देखो इसका कलर कैसा हो गया, समझ गए। ये नॉर्मल जो एप्पल हम खाते हैं वैसा इसका कलर नहीं है इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट म्यूटेंट, ठीक। इसमें कौन सा है, टॉप रेड एक वेराइटी है, एक है स्काईलाइन सुप्रीम, क्या है स्काईलाइन सुप्रीम एक वेराइटी है। फिर है हार्डीमन, कौन सी वेराइटी, हार्डीमन एक वेराइटी है। उसके बाद फिर एक वेराइटी है स्कारलेट गोला, रेड फ्यूजी, महाराज जी, ये सब वेराइटीज जो हैं ये स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट की वेराइटी हैं। फिर आगे बात करते हैं स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटी। देखो जो स्कैब होता है, स्कैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज है एप्पल में, ठीक। इसी की वजह से एप्पल को सबसे ज्यादा लॉस होता है। अगर कोई पूछे कि एप्पल की सबसे सीरियस डिजीज कौन सी है तो आप आंख बंद करके बता दीजिए कि स्कैब। स्कैब जो बीमारी होती है ये फंगल डिजीज होती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है किसको, एप्पल की क्रॉप को, समझ गए। इसमें पहली वैरायटी है जो स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है प्रीमा, उसके बाद प्रिस्सिला, ठीक, प्रिस्सिला, सरप्राइज, जोनाफ्री, फ्लोरिना, मैकफ्री, नोवा इजी, रेड फ्री, नोवा मैक, लिबर्टी, फ्रीडम, फायरडस, सैरनी, फ्लोरिना, फ्रांस। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ, एक तो सरप्राइज याद कर लेना, फ्लोरिना याद कर लेना, नोवा इजी, रेड फ्री, नोवा मैक, लिबर्टी और फ्रीडम और फ्लोरिना फ्रांस, ये इसकी जो इतनी इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसको लर्न कर लेना, ये स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं। फिर अगली जो वैरायटी है लो चिलिंग वैरायटीज, ठीक, ये ऐसी वैरायटीज हैं जिनको चिलिंग टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है।
इसमें से पहली है मिचेल वेराइटीज, उसके बाद कौन सी है स्कॉलमिट वेराइटी, अन्ना वेराइटी और तम्मा, अन्ना तम्मा वरेड नियोमी ट्रॉपिकल ब्यूटी, ये सब इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं जो लो चिलिंग वेराइटीज थी। ठीक, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको मैं बता देता हूँ, एक तो अन्ना है, एक तम्मा है और नियोमी और ट्रॉपिकल वेराइटी ट्रॉपिकल ब्यूटी, ये सब जो वेराइटीज हैं ये कैसी हैं लो चिलिंग वेराइटी हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी रह रहा है तो इसको हम कायदे से ग्रो कर सकते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो ट्रॉपिकल ब्यूटी, ट्रॉपिकल ब्यूटी, ट्रॉपिकल यानी कि थोड़ा सा गर्म कंडीशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म का मतलब लो चिलिंग, जहाँ पर चिलिंग टेम्परेचर थोड़ा कम ही होता है, चिलिंग टेम्परेचर होता है एकदम बर्फ पड़ने लग जब बर्फ पड़ने लगता है, और लो चिलिंग टेम्परेचर यानी बर्फ नहीं पड़ रहा लेकिन ठंड सर्दी हो रही है, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं ट्रॉपिकल ब्यूटी टाइप की क्रॉप उगा सकते हैं। फिर अगला वेराइटी है पार्लेंस ब्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, इसकी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, ठीक इसको प्रोसेसिंग करके इसके हम कई चीज़ बना सकते हैं, समझ गए, जब हम फूड प्रोसेसिंग बताएंगे आपको तब फिर हम बताएंगे कि एप्पल की फूड प्रोसेसिंग में क्या बनाते हैं, जैम जेली और ढेर सारे चीज़ प्रोसेसिंग में बनाए जाते हैं, तो एप्पल से क्या बनता है ये सब हम जब फूड प्रोसेसिंग बताएंगे तब बताएंगे। जैसे आप लोगों की ये सब क्रॉप खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक, 10-15 क्रॉप्स और होंगी, ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम लोगों को प्रोसेसिंग भी थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे। फिर क्रैब वेराइटीज कौन सी हैं, क्रैब वेराइटी में सबसे पहली वेराइटी है रेड फ्लिस, क्रिम्सन गोल्ड, येलो ड्रॉप, नॉड्रिफ। ठीक, तो इसमें जो रेड फ्लुइस है और क्रिम्सन गोल्ड येलो ड्रॉप, यही तीन वेराइटीज हों ये लर्न कर लेना। क्रैब जो वेराइटी होती है वो देखने में ऐसा होता है, इसके अंदर का जो फूड मटेरियल होता है इसका अंदर का फल देखने में ऐसा होता है, बाहर से देखने में फल इस टाइप का होता है। ठीक, तो इसको देख के आप जान जाइए समझ जाइए कि ये कैसी वेराइटी है, स्कैरेब वेराइटी है, समझ गए बात। अब देखो इसकी हाइब्रिड वेराइटी देख लेते हैं, अगर हम वेराइटी की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आता है एप्पल की वेराइटीज़ में, जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ एप्पल्स। ठीक, तो इसमें हाइब्रिड वेराइटी कौन कौन सी हैं वो तो बिल्कुल से ही याद कर लेना और इनके क्रॉस भी याद कर लेना। ठीक, इससे एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो देखो मेनली ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश, कौन सी वो हाइब्रिड वेराइटीज हैं जो मेनली हिमाचल प्रदेश में ग्रो की जाती हैं। इसमें है लाल अंबरी, इसको बनाया गया है रेड डिलीशियस और अंबरी के क्रॉस से लाल अंबरी वेराइटी को। फिर अंबर रेड बनाया गया है, इसको रेड डिलीशियस और अंबरी के क्रॉस से ही बनाया गया है। ठीक, दोनों का सेम ही क्रॉस है लेकिन एक से बना लाल अंबरी और एक से बना अंबरेड। जैसे कि मान लो मम्मी पापा के दो बच्चे, समझ गए, तो एक भाई, ये दोनों सगे भाई हैं, ऐसे समझ लो बात, समझ गए। लाल अंबरी को रेड डिलीशियस और अंबरी से बनाया गया है, अंबरेड को रेड डिलीशियस और अंबरी से बनाया गया है, समझ गए। अंब स्टार्किंग जो होता है ये स्टार्किंग डिलीशियस और अंबरी से बनाया गया, अंब से अंबरी और स्टार्किंग से स्टार्किंग डिलीशियस, समझ गए। तो नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है कि ये किसका किसका क्रॉस होता है। फिर है अंब रॉयल, ये रॉयल डिलीशियस और अंबरी के क्रॉस से बनाया गया है। ठीक, ये सब हिमाचल प्रदेश में ग्रो की जाने वाली वेराइटीज़ हैं। अब देखते हैं वो वेराइटीज़ हाइब्रिड वेराइटी, वो हाइब्रिड वेराइटी जो जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती हैं। इसमें है एक अमरिच, जिसको रिच ए रेड और अंबरी के क्रॉस से बनाया गया है, इसीलिए रिच से बन गया रिच और अंबरी से बन गया अंब, तो ये बन गया क्या, अंबरिच। ठीक, फिर सनहेरी, इसको बनाया गया है अंबरी इंटू, ये अंबरी मल्टीप्लाई लिखा है, वो एम्बरेक्स नहीं है, अंबरी मल्टीप्लाई गोल्डन डिलीशियस, तो अंबरी और गोल्डन डिलीशियस के क्रॉस से क्या बनाया गया है, सनहेरी वेराइटी, समझ गए बात। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि बहुत ढेर सारी वेराइटीज़ है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको लिख लेना कायदे से। चौबटिया प्रिंसेस भी एक अच्छी वेराइटी है। ठीक, ये कैसी, किसके क्रॉस से बनाई गई है, रेड डिलीशियस और अर्ली सनबरी के क्रॉस से बनाई गई है। फिर है अगला चौबटिया अनुपम, रेड डिलीशियस और
अर्ली सनबरी से बनाया गया है, ठीक। ये भी दोनों सगे भाई हैं बिल्कुल, चौबसिया चौबटिया प्रिंसेस और चौबटिया अनुपम, एक प्रिंसेस है एक अनुपम है, रेड डिलीशियस और अर्ली सनबरी से दोनों के क्रॉस करके बनाया गया है, समझ गए बात। अब आगे चलते हैं, गोल्डन डिलीशियस, येलो न्यूटन, नॉर्दर्न स्पाई, मैकलॉनथॉस, ठीक, मैकलॉनथॉस, सॉरी पढ़ने में गड़बड़ हो गया, मैकलॉनथॉस, कौन कौन सी वैरायटी, गोल्डन डिलीशियस, येलो न्यूटन, नॉर्दर्न स्पाई, मैकलॉनथॉस, ये जो वैरायटीज हैं ये गुड सीड वेबिलिटी की हैं, इनकी सीड की वेबिलिटी अच्छी होती है। सीड वेबिलिटी का मतलब ऐसा समझो कि इनकी जर्मिनेशन पावर अच्छी होती है, ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर इनको हम जर्मिनेट करेंगे तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। जिनकी सीड वेबिलिटी कम होती है उनका जर्मिनेशन बहुत गड़बड़ होता है, जैसे अगर मान लो उनको 2-3 साल हम रख देंगे, जिनकी सीड वेबिलिटी जिनकी कम है, अगर उनको हम 2-3 साल रख दिए उन सीड को, फिर बाद में अगर हम चाहें जर्मिनेट करना तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो जिनकी अच्छी सीड वेबिलिटी होती है उनको हम 1-2 साल तक रख सकते हैं। ये फूड टू फूड मतलब क्रॉप टू क्रॉप और वेराइटी टू वेराइटी डिफर करता है कि किसकी सीड वेबिलिटी कितनी होती है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो जानकारी में है उसमें सबसे ज़्यादा जो सीड वेबिलिटी होती है वो होती है लोटस की, कमल के फूल के सीड की वेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 1-2 हज़ार साल बाद भी उसका सीड जर्मिनेट कर जाता है, समझ गए बात। अब आगे बढ़ते हैं, डेलीशियस ग्रुप, जैसे गोल्डन डेलीशियस, रेड डेलीशियस, जितने भी डेलीशियस ग्रुप के वैरायटीज हैं ये सेल्फ इनकम्पेटेबल वैरायटी हैं, ठीक। और जिस वैरायटी में सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ये कन्फर्म चीज है। जिसमें जिस वैरायटी में या जिस क्रॉप में सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, समझ गए। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर नहीं होगा, मोटा मोटा यही होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का, कि जब इसमें जो पॉलन होता है सेम ही प्लांट का, सेम ही फ्लावर का पॉलन, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पॉलन को नहीं फर्टिलाइज कर पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्वबाध्यता हिंदी में। ये अगर होगा, सेल्फ कंपेटेबिलिटी किसी प्लांट में पाई जाएगी तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाएगा, ठीक, क्योंकि जो स्वपरागण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, इंग्लिश वेराइटी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, जो इंग्लिश वेराइटीज होती हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। डेसीडुअस की वेराइटी कैसी होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, तो जो इंग्लिश वेराइटी है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है और इसको यूज़ किया जाता है पॉलिनाइजर के लिए। डेसीडुअस जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे जो डेलीशियस ग्रुप की क्रॉप होती हैं ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, तो इनको पॉलिनेशन कराने के लिए हमें चाहिए कोई मेल फ्लावर का पार्ट, हमें एंथर चाहिए, तो हमें पॉलिनाइजर के रूप में अगर हम इंग्लिश वेराइटीज़ को यूज़ करेंगे, पॉलिनाइजर के लिए इंग्लिश वेराइटीज़ को यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक। इंग्लिश वेराइटीज़ जो होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं और इनको डेलीशियस ग्रुप के क्रॉप के पॉलिनाइजर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, रेड डिलीशियस मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडिया, रेड डिलीशियस इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडिया, रेड डिलीशियस एप्पल की वह वेराइटी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है, समझिए सबसे ज़्यादा अगर एप्पल में कोई वेराइटी ग्रो की जाती है इंडिया में तो सबसे ज़्यादा वो रेड डिलीशियस है और प्रोडक्शन भी इसका सबसे ज़्यादा ही है। फिर अगली वेराइटी है रेड गोल्ड, ये एक्ट एज पॉलिनाइजर फॉर रेड डिलीशियस, रेड डिलीशियस का पॉलिनाइजर के रूप में इसको रेड गोल्ड को यूज़ करते हैं, मतलब रेड गोल्ड का मेल पार्ट और रेड डिलीशियस का फीमेल पार्ट, इसको पॉलिनाइजर वो होता है जिसका मेल पार्ट यूज़ होता है, मेल पार्ट यूज़ होता है यानी कि इसका एंथर फर्टिलाइजेशन में उपयोग किया जाता है, तो ये पॉलिनाइजर का काम करता है, मतलब परागण करवाने वाला काम करता है, ठीक, समझ गए बात। तो ये रेड डिलीशियस और स्टार्किंग डिलीशियस, जो रेड गोल्ड होता है ये पॉलिनाइजर का काम करता है, रेड डिलीशियस और स्टार्किंग डिलीशियस इन दोनों वेराइटीज़ में, ये जो रेड गोल्ड होता है ये दोनों वेराइटीज़ में पॉलिनाइजर का काम करता है।
फिर अगली जो वैरायटी है गोल्डन डिलीशियस, ये कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ यूएसए और यूरोप में है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, रेड डिलीशियस जो वैरायटी है ये अमेरिका भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में पॉपुलर है, लेकिन जो गोल्डन डिलीशियस वैरायटी है ये यूएसए और यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। ठीक, बाकी एक जो वैरायटी है मैकलिंथोस, ये कनाडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लीडिंग वैरायटी ऑफ कनाडा, कनाडा में इसकी खेती ज्यादा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अंबरी। अंबरी एक इंडिजीनियस वैरायटी ग्रोन इन कश्मीर एंड इट हैज लॉन्ग स्टोरेज लाइफ। अंबरी ज्यादा फेमस क्यों है, ये तो एक इंडिजीनियस वैरायटी है, यानी कि जम्मू कश्मीर की ही वैरायटी है, एक देसी वैरायटी, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक देसी वैरायटीज है, और इट हैज लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, और इसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है ये ज्यादा होती है, यानी कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इसको हम कई दिन तक रख सकते हैं। ठीक, अगर हम नॉर्मल इसको टेम्परेचर देंगे, एक ठंडा टेम्परेचर देते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के, तो ये काफी दिन तक चल जाता है, समझ गए, अंबेरी वेराइटी। अब रायमर वेराइटी जो है ये भी इंडिजीनियस वेराइटी है, कश्मीर में ग्रो की जाती है, यानी कि ये भी एक देसी टाइप की वेराइटीज है। फिर अगली वैरायटी है ट्रिप्लॉयड वैरायटी, यानी कि इसमें 3N पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 3N पाया जाता है। ठीक, तो जो मैंने अभी इसमें क्रोमोसोम पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था, एप्पल के पार्ट वन में बताया था, समझ गए, तो वहां से देख लेना और बता देना, नहीं तो हमने जो भी बोटेनिकल, जब इसका नाम बोटेनिकल नेम जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो जितने क्रोमोसोम होते हैं उसी में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ट्रिप्लॉयड वैरायटी का, ट्रिप्लॉयड कल्टीवर का क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा। तो ट्रिप्लॉयड जो कल्टीवर होते हैं उसमें से है एक बाल्डविन, ठीक, एक बाल्डविन वैरायटी है, एक है ग्रेवेंस्टीन, फिर एक वैरायटी है वाइनस्कैप। ये तीन वैरायटीज जो थी ये ट्रिप्लॉयड वैरायटीज थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब आगे बात करते हैं नॉर्दर्न स्पाई, ये जो वुडी एप्पल एफिड होता है, वुडी एप्पल एफिड का ये कमाल है, देखो ये कर दिया उसने, इस टाइप का इन्फेक्शन वो करता है वुडी एप्पल एफिड, तो इसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है, नॉर्दर्न स्पाई वैरायटी है। ठीक, अब देखो सीड स्ट्रेटिफिकेशन, बात समझते हैं, स्ट्रेटा समझते हो क्या होता है, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा जिसे जो आलमारी होती है, जैसे अगर कभी आप गए हो किराना स्टोर पे तो आप देखेंगे कि हर सामान वो एक छोटा छोटा स्ट्रेटा बनाए रहता है, उसी स्ट्रेटा में रखे रहता है। ठीक, ऐसे 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 ढेर सारा, जैसे मान लो ये दीवाल है तो उस दीवाल में ऐसे ऐसे वो खाना बनाए रहेगा, तो हर खाने में एक एक जगह पर एक एक सामान रखा रहेगा, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक ये जर्मिनेशन चैम्बर होता है, अगर आपने सीड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आप समझ पाएंगे, ये एक रेफ्रिजरेटर के रूप में एक जर्मिनेशन चैम्बर है, इस जर्मिनेशन चैम्बर में ऐसे ढेर सारे स्ट्रेटा बने हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, उसी स्ट्रेटा पे थोड़ा सा हम जर्मिनेशन मीडियम ले लेंगे, जर्मिनेशन मीडियम मतलब जिसमें वो जर्मिनेट होता है, किसी सीड को जिसको हमें जर्मिनेट करना है उसको हम इसी स्ट्रेटा, देखो ये एक स्ट्रेटा है मतलब एक ऐसा ट्रे है, उसी ट्रे पर जर्मिनेशन मीडियम डाल दिया गया है, जर्मिनेशन मीडियम डालने के बाद उसी में फिर सीड को सोन कर दिया गया। ठीक, उसी सीड को फिर सीड को इस पर सो किया गया, यानी कि बो दिया गया है। ठीक, अब क्या होगा, अगर हम इसको जर्मिनेशन चैम्बर में इस पूरे स्ट्रेटा को उठा के जर्मिनेशन चैम्बर में रख दें तो वहां पर क्या होगा, 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे हम, और कितने दिन तक, 60 to 90 डेज तक, अगर हम इसको एप्पल के सीड को इतना टेम्परेचर देते रहेंगे 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर, और वो भी 30 से 90 दिन के, 60 से 90 दिन के बीच में, तब ये क्या होगा, तब ये जर्मिनेट होगा, यानी कि इसके जर्मिनेशन के लिए लो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से सीड के जर्मिनेशन के लिए लो चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायर होता है, या लो चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड जर्मिनेशन किसमें करते हैं, तो वो करते हैं एप्पल में। अब 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसे, और वो भी 60 to 90 डेज के लिए, समझ गए बात। अब देखो सायन, जो रूट स्टॉक और साइन होता है ये वही लिखा है, साइन सिग्नेचर वाला नहीं है, इसको साइन पढ़ते हैं, कुछ लोग सियोन पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो साइन है, रूट स्टॉक और साइन। साइन कैन नॉट बी यूज फॉर ग्राफ्टिंग
एट दियर एक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ, साइन को हम नहीं यूज कर सकते ग्राफ्टिंग के समय में जब वो अपने एक्टिव स्टेज में हो ग्रोथ के, यानी कि जब उसका साइन जो है यानी कि उसका जो बड है कलिका है, एक मान लो ये हमारे पास एक ब्रांच है, उस ब्रांच पे यहीं पर एक छोटी सी बड है। अब ये जब बड बढ़ रही हो मतलब उसकी जब ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो गई हो, जब वो तेजी से विकास कर रहा हो अपना डेवलपमेंट कर रहा हो, अगर उस समय इसकी ग्राफ्ट को हम निकाल के और किसी दूसरे पौधे पर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ग्रोथ नहीं करेगा, डेड हो जाएगा, समझ गए, यानी कि आपकी ग्राफ्टिंग के सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, क्या मैकेनिज्म है, इसको समझते हैं, बात समझो। जैसे मान लो कि तुम्हें कसके भूख लगी है, ठीक, अब तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें कसके भूख लगी है और तुम थाली में लेके खाना खा रहे हो, इतने में किसी ने क्या किया कि तुम्हारे सामने से थाली हटा दी, ठीक, थाली हटा दी, कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर, अभी हम दूसरी थाली तुमको ला रहे हैं, दूसरा खाना हम तुमको बना के दे रहे हैं। अब तुमको दूसरा खाना बना के उसने दिया, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा गर्म है कि तुम जल्दी जल्दी खा नहीं पा रहे हो, समझ गए, तुम्हें खाने में दिक्कत हो रही है, जो पहले तुम खा रहे थे तो उसमें तुम जल्दी जल्दी खा पाते, तुम्हारी भूख जल्दी से मिट जाती, लेकिन अब की जो तुम पाए हो, एक तो वो गर्म है और ऊपर से मिलने में भी देर हो गई, एक थाली खिसका दिया दूसरी थाली लेके आए, तो अब क्या करोगे कि धीरे धीरे खाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो तुम्हारी भूख जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर में शांत होगी, समझ गए बात। अब इसको ऐसे समझो, मान लो एक ये ब्रांच था, उस ब्रांच में यहाँ पर ये बड लगा था, समझ गए, अब ये बड यहाँ से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा था और अपना प्रॉपरली ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जब हमें बडिंग लगानी होगी तो यहाँ से हमने इस बड को सेपरेट कर लिया, काट कर निकाल लिया इसके बड को, अब बड को जो हमने निकाल लिया तब यहाँ से अब एक दूसरे पेड़ पर, यहाँ पर एक दूसरे एप्पल के ब्रांच पर उस बड को लेके आके यहाँ पर चिपका दिया, ठीक, चिपका दिया यानी कि इसकी ग्राफ्टिंग कर दी। अब जब यहाँ ग्राफ्टिंग होगी तो तुरंत तो वो फूड मटेरियल लेना स्टार्ट नहीं कर देगा, और लेगा भी तो उतने ज़्यादा स्पीड में ले नहीं पाएगा जैसे यहाँ पर ले रहा था, जैसे यहाँ पर ले रहा था पहले उस तरीके से यहाँ से एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, और इसको इसकी इस समय है ग्रोथ स्टेज, यानी कि इस समय ये ग्रोथ कर रहा है अपना बहुत तेजी से, लेकिन इसको फूड मटेरियल प्रॉपर मिलेगा नहीं, इसी वजह से क्या होगा, आपकी ग्राफ्टिंग जो है यानी कि आपका ये जो बड है ये सूख जाएगा। इसीलिए जब साइन डोरमेंसी स्टेज में हो तभी हमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, इसको मैंने एक बार और बताया था, कभी भी हमें ग्राफ्टिंग करनी हो या बडिंग करनी हो, समझ पा रहे हो, चाहे हमें ग्राफ्टिंग करनी हो और चाहे बडिंग करनी हो, वो हमें तभी करना चाहिए जब हमारा प्लांट की ग्रोथ कम हो रही हो, उस सीजन में करो जब प्लांट की ग्रोथ कम हो रही हो। इसीलिए जो ग्राफ्टिंग का समय है जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो सर्दियों का समय माना जाता है अधिकतर पौधों का, क्यों, क्योंकि सर्दियों के समय में प्लांट की ग्रोथ कम होती है, रुक जाती है। अगर आप बरसात के मौसम में ग्रोथ करेंगे, ग्राफ्टिंग या बडिंग करेंगे तो सक्सेस होने की संभावना कम होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि मानसून सीजन में प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज से होती है। लेकिन देखो एक चीज़ समझ लेना, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ये सब पर लागू नहीं होता है लेकिन मोस्टली क्रॉप पर लागू होता है। अब ऐसे नहीं कि सर जी आप तो ऐसे कह रहे थे लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा, जब पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ जब पौधा कर रहा होता है या फ्लावरिंग फ्रूटिंग का समय होता है, उस समय हम बडिंग नहीं लगाते हैं। बडिंग हम तब लगाते हैं जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ना हो रही हो और पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत धीरे धीरे हो रही हो, उसी टाइम पर हम ग्राफ्टिंग लगाते हैं किसी भी प्लांट में। अब देखो मेडिव और सर्जिंग क्या होता है, मेडिव और सर्जिंग में आपको 20,000 से लेके 70,000 प्लांट लगा सकते हैं एक हेक्टेयर में, ठीक, 20,000 से 70,000 प्लांट एक हेक्टेयर में आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, क्या, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब जो ये मेडिव ऑर्चर्डिंग होती है इसको पहले हम समझ लेते हैं, मेडिव ऑर्चर्डिंग में क्या होता है कि हमने ये देखो जिसे मान लो हम दिया, खैर ये बहुत हाई डेंसिटी नहीं है, दूर दूर है, लेकिन हमको केवल मेडिव ऑर्चर्डिंग समझानी है तुम्हें। तो मेडिव ऑर्चर्डिंग में क्या होता है, ये बीच में हमने ऐसे एक रो इधर एक रो इधर, ये दो रो हमने लगा दिया किसका, एप्पल का। अब क्या करेंगे कि बीच में यहाँ पर हम ग्रास ग्रो करेंगे, ठीक, इसमें हम घास ग्रो करेंगे,
इससे क्या होगा कि हमें डबल फायदा है, एक तो सॉइल इरोजन जो हो रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक, और दूसरा जब इसमें घास जमी रहेगी तो हम भेड़ बकरी गाय भैंस ये सबका चारागाह बना सकते हैं, ठीक, ग्राजिंग करवा सकते हैं पशुओं की, तो हमको डबल फायदा हो जाएगा, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं मेडिव ऑर्चर्डिंग। आई बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। बिटर पिट ऑफ एप्पल, ये किसमें किसमें लगता है? बिटर पिट एक डिसऑर्डर होता है, देखो ऐसा एक प्रकार का बीमारी होती है, बीमारी क्या इंसेक्ट की वजह से होता है ये बिटर पिट, ये एक डिसऑर्डर होता है, मतलब इसकी क्वालिटी खराब कर देता है। इसमें क्या होता है कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं एप्पल के फ्रूट पर, और वो जो धब्बे पड़ रहे हैं काले काले, वो धब्बे हल्का सा अंदर को धसे हुए होते हैं, ठीक, जैसे ये जो धब्बा है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये धब्बा अंदर को धंसा हुआ है, तो धंसे हुआ है यानी कि गड्ढा है, तो गड्ढे को बोलते हैं पिट। तो इसीलिए जो बिटर पिट वाली प्रॉब्लम होती है या गोल्डन डिलीशियस में बहुत होती है और येलो न्यूटन में, गोल्डन डिलीशियस और येलो न्यूटन वाली जो वेराइटीज़ हैं इनमें बिटर पिट वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिर इंटरनल ब्राउनिंग, येलो न्यूटन में इंटरनल ब्राउनिंग भी बहुत होती है, यानी कि जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, जब हम एप्पल को काटते हैं तो जो सफ़ेद सफ़ेद वाला पार्ट होता है वहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल ब्राउनिंग। इंटरनल ब्राउनिंग किस में होता है? येलो न्यूटन में। अब देखो, अंबरी प्रोसेस लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी बट बाइनियल इन बियरिंग, जो अंबरी होती है इसको हम रख सकते हैं काफ़ी दिन तक, ठीक, हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीज में रख के कई दिन तक इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये बाइएनियल बियरिंग करता है। बाइएनियल बियरिंग का मतलब कि 2 साल में एक बार फल देगा, जैसे आम का होता है, मैंगो जिस तरह फल देता है उसी टाइप का ये अंबरी भी फल देता है। तो इसकी एक ये प्रॉब्लम है, इसकी एक ये डिसएडवांटेज है और इसका एक ये वाला एडवांटेज है, समझ गए बात। अब आगे बढ़ते हैं, तो केवल इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा बोरिंग था क्योंकि ढेर सारी इसमें वेराइटीज़ थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।